Hi friend, this is Tauqeer Alam here. Today we are going to learn about rules of conjunction, yani संयोग. Friends, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंजंक्शन यानी संयोग के बारे में डिटेल से जानेंगे और हम सीखेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनका क्या यूज है. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, वह वर्ड जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन या संयोग कहते हैं. यानी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वह वर्ड कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है या उन्हें जोड़ने का काम करता है. फ्रेंड्स, कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं. पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जानें, उसके बाद हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में भी देखेंगे. जो कंजंक्शन ऐसे दो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट उपवाक्य यानी फ्रेजेस को जोड़ते हैं जो अपने अलग अलग मतलब रखते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं. फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उस कंजंक्शन को कहते हैं जो दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो अपना इंडिपेंडेंट अर्थ रखते हैं. यानी ये सेंटेंसेस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं. जैसे ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. फ्रेंड्स, यहां पर बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. क्यों? क्योंकि यहां पर दो सेंटेंसेस ही इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट, ये दोनों सेंटेंसेस आपस में इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है और दोनों का अपना एक अलग अलग मतलब है. जैसे ही इज पुअर वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है. तो जब दो ऐसे सेंटेंसेस जो आपस में इंडिपेंडेंट हो और इस तरह के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो हम कंजंक्शन का यूज करते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार तरह के होते हैं. कौन? आप खुद देख लीजिए. कुमुलेटिव कंजंक्शन यानी जोड़ बताने वाले शब्द. इस कंजंक्शन के अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो. और इन सभी वर्ड्स से जोड़ का पता चलता है. और दूसरा टाइप होता है अल्टरनेटिव, पसंद या च्वाइस बताने वाले वर्ड. इसके अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होता है आइदर आर, नाइदर ना, एल्स अदरवाइज. फ्रेंड्स, इसे इधर और आइदर दोनों बोला जाता है और इसे नीदर और नाइदर दोनों बोला जाता है. तो जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं. और तीसरा होता है फ्रेंड्स एडवर्सेटिव यानी विरोध बताने वाले शब्द. इस कंजंक्शन के अंदर जो वर्ड्स आते हैं फ्रेंड्स वो होता है बट, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस. फ्रेंड्स, आप ये नहीं समझेंगे कि बस नेवरदलेस तक ही होता है. और भी एक दो वर्ड्स हैं जो इस कंजंक्शन के अंदर आते हैं. मैं यहां पर वही वर्ड बता रहा जो मेन है या जो मेनली यूज होते हैं, लेकिन जब हम इसे एग्जांपल में यूज करेंगे तो आपको सभी डिटेल मिलेगा. और अगला फ्रेंड्स इलेटिव यानी परिणाम बताने वाले शब्द, मेनली सो होता है. तो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार तरह की होते हैं जिसे आप यहां बखूबी देख सकते हैं. आइए फ्रेंड्स अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जानते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी एक दूसरे पर डिपेंड रहने वाले कंजंक्शन. आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं, ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक. यहां बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. क्यों? क्योंकि यह एक डिपेंड सेंटेंस को दूसरे से जोड़ रहा है. अगला एग्जांपल है फ्रेंड्स, वी नो दैट गॉड इज ऑलमाइटी. अब यहां पर जो दैट है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. क्यों? क्योंकि यह दैट एक डिपेंड क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ रहा है. जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जब आप उन्हें डिवाइड करेंगे तो वो दो पार्ट में हो जाते हैं. पहला
प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज, मुख्य क्लॉज, और ये इंडिपेंडेंट होता है यानी यह किसी पर निर्भर नहीं होता या किसी पर डिपेंड नहीं होता है। और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी एक ऐसा क्लॉज जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड हो या अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर हो, उसे हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। तो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है क्योंकि ये जो हिस्सा है वो इस पर डिपेंड है। अगर आप अलग अलग करके दोनों का मीनिंग पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। फ्रेंड्स, क्लॉज दो टाइप के होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी डिपेंड क्लॉज, इसे हम हिंदी में आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे लिए ये बात जानना जरूरी है कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है। फ्रेंड्स, वह वाक्य जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी और सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं यानी मेन क्लॉज कहते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो अपने आप में फ्री होते हैं यानी इंडिपेंडेंट होते हैं। वही दूसरी तरफ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी इसे हम डिपेंड क्लॉज भी कहते हैं। यह एक ऐसा वाक्य होता है जो अपना मीनिंग खुद से पूरा नहीं कर पाता, अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए ये किसी और सेंटेंस पर डिपेंड होता है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, चलिए उसे देखते हैं। आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। फ्रेंड, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो जो क्लॉज अपना अर्थ खुद से पूरा कर ले रहा वो होगा प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इसका हिंदी मीनिंग पढ़ें तो आपको कुछ अधूरा अधूरा लगेगा, जैसे हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं जो अंधा था तो क्या यह बात अपने आप में कंप्लीट है? नहीं। बातों से पता चला कि मैंने इस वाक्य के पहले कुछ बोला होगा और मैं जिसके बारे में जानकारी दे रहा कि जो अंधा था। तो फ्रेंड्स, ऐसा अ मैन, मैं एक आदमी देखा, यह प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, यह एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या यह एक डिपेंड क्लॉज है जो इस पर डिपेंड है। इसके बिना इसका मीनिंग निकालना ठीक नहीं है या नहीं निकाला जा सकता। तो फ्रेंड्स, क्लॉज दो टाइप के होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी डिपेंड क्लॉज। फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन बातों को बताती हैं, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से टाइम, प्लेस, कॉज, पर्पज, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, कंडीशंस और मैनर का पता चलता है। इन सभी बातों को बताने के लिए हम अलग अलग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे टाइम बताने के लिए हम व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, नो सूनर देन, टिल और अंटिल का यूज करते हैं। प्लेस यानी जगह बताने के लिए वेयर या वेयर एवर का यूज करते हैं। कॉज यानी वजह बताने के लिए बिकॉज, एज या सिंस का यूज करते हैं। पर्पज यानी उद्देश्य बताने के लिए या मकसद बताने के लिए दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट का यूज किया जाता है। कंपैरिजन यानी तुलना बताने के लिए एज एज, सो एज और देन का यूज किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए ऑल्दो, दो, इवन इफ और हाउ एवर का यूज किया जाता है रिजल्ट बताने के लिए दैट और सो का यूज किया जाता है। कंडीशन बताने के लिए इफ, अनलेस और अंटिल का यूज किया जाता है। जबकि मैनर बताने के लिए एज, एज इफ, एज फॉर एज या सो फॉर एज का यूज किया जाता है।
आइए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी कंजक्शंस का यूज देखते हैं। सबसे पहले हम एंड और बट का यूज जानेंगे। एंड और बट का यूज दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। दोनों में फर्क यह है कि एंड से हम कोई नॉर्मल बात को जोड़ते हैं, यानी किसी आम बात को जोड़ते हैं, जबकि बट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कॉन्ट्रास्ट दिखलाना हो, यानी विरोध दिखलाना हो। जैसे सबसे पहले हम एंड का यूज देखेंगे। योर ब्रदर केम हियर, आपका भाई यहां आया एंड मेट मी, और मुझसे मिला। तो ये नॉर्मल बात है, इसलिए मैंने यहां पर एंड का यूज किया। लेकिन आप यहां देखें, योर ब्रदर केम हियर, आपका भाई यहां आया, बट लेकिन ही डिडंट मीट मी, लेकिन उसने मुझसे नहीं मिला। तो यहां मैंने बट का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रास्ट दिखलाया जा रहा है, विरोध दिखलाया जा रहा है कि उसने आया तो, लेकिन उसने मिलने का काम नहीं किया। तो कोई दो सेंटेंसेस को जोड़ना हो और बात आम है या नॉर्मल है तो आप एंड का यूज करें, और अगर वहां पर कॉन्ट्रास्ट दिखलाया जा रहा है तो आप बट का यूज कर सकते हैं। बोथ मीन्स दोनों होता है, और बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज किया जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स बोथ के साथ एज वेल एज का यूज कर देते हैं, जो गलत है। जैसे बोथ रजनी एंड रितु केम, तो आप यहां देख सकते हैं कि बोथ के साथ एंड का यूज हुआ है और बोथ के साथ एंड का ही यूज होता है। अगर आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करें, बोथ रजनी एज वेल एज रितु केम, तो फिर आपके सेंटेंसेस गलत होंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि बोथ के साथ एंड का यूज होता है, एज वेल एज का यूज नहीं होता। फ्रेंड्स, बोथ और एंड के बारे में एक और खास बात जो आपको जानना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोथ वाले सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं, यानी बोथ वाले सेंटेंसेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। आप बोथ का यूज करके अपने सेंटेंसेस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिख पाएंगे। अगर आपने बोथ का यूज किया है तो आपके सेंटेंसेस नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि बोथ हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए ही होता है। अगर आपके सेंटेंसेस नेगेटिव हैं तो आप बोथ के जगह पर नाइदर नॉर का यूज करेंगे। अब ये नाइदर नॉर का यूज आप कैसे करेंगे, यह बात मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको यहां एक बात याद रखनी है कि बोथ वाले सेंटेंसेस हमेशा अफर्मेटिव होते हैं। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर बोथ का यूज हुआ है और यहां पर एक नेगेटिव वर्ड आया है डिडंट, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग कर दिया है। नेहरू वॉज नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन बट ऑल्सो अ राइटर। यहां कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि नेहरू न सिर्फ एक पॉलिटिशियन थे बल्कि एक राइटर भी थे। आइदर यू और योर ब्रदर मस्ट गो देयर। आइदर आर का यूज हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि दो में से कोई एक। आइदर यू आर योर ब्रदर, तुम या तुम्हारा भाई, यानी दोनों में से कोई एक। मस्ट गो देयर, वहां जरूर जाएंगे, यानी आप या आपका भाई, दोनों में से कोई एक वहां जरूर जाएगा। नाइदर यू नॉर दे विल सपोर्ट, ना तुम ना वे लोग सहारा देंगे। तो फ्रेंड्स, नाइदर नॉर का यूज का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। तो यहां मतलब है कि तुम या वे दोनों में से कोई भी सहारा नहीं देंगे। फ्रेंड्स, नो सूनर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहिए, यानी नो सूनर वाले सेंटेंसेस को हमें उसी तरीके से ट्रांसलेट करना चाहिए जैसे हम किसी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे व्हेन डू यू कम, व्हाई हैव यू स्पोकन, व्हेन डिड सी गो। तो अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत कंजंक्शन नो सूनर से है तो उसके बाद आप कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर देंगे। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब देना है ये आपके वाक्य के अकॉर्डिंग पता चलेगा। और दूसरी बात, नो सूनर वाले सेंटेंसेस में जब दूसरा पार्ट शुरू होता है तो हमें दैन का यूज करना चाहिए, यानी नो सूनर वाले सेंटेंसेस में दैन का यूज होता है और नो सूनर के ठीक बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा।
जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, No sooner did he see a lion than he ran away. जैसे ही उसने एक शेर देखा वह भाग गया. फ्रेंड्स, scarcely और hardly दोनों का मतलब होता है मुश्किल से, और इन दोनों के बारे में एक बात जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और वह यह है कि scarcely या hardly वाले sentences में जब दूसरा पार्ट शुरू होता है तो हमें उसकी शुरुआत when से करनी चाहिए. अक्सर ऐसा होता है फ्रेंड्स कि स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं और वे when के जगह पर then का यूज करते हैं, जो कि सरासर गलत है. तो आप ये बात याद रखेंगे कि scarcely और hardly इन दोनों के साथ when का यूज किया जाता है, then का नहीं. फ्रेंड्स, कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड जैसे What, why, how, when, where के पहले that का यूज नहीं किया जाता है. आमतौर पर ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन वर्ड के पहले that का यूज करते हैं. तो आप यह बात हमेशा के लिए याद रखेंगे कि कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड के पहले that का यूज नहीं किया जाता है. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग होंगे. अगर आप चाहते हैं कि ये राइट हो तो फिर आपको दैट रिमूव करना होगा. अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंसेस में कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दोनों खुद नेगेटिव होते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दो एग्जांपल लिखा हुआ है और एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है. तो चलिए देखें कौन रॉन्ग है और कौन राइट है. ही कैन नॉट सक्सेस्ट अनलेस ही डज नॉट वर्क. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह अनलेस वाला सेंटेंस है और यहां पर नॉट का यूज हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. अनलेस वाले सेंटेंसेस में नॉट का यूज नहीं होता है, तो इसलिए यह इनकरेक्ट है. चलिए अब इसे देखें. He can't succeed unless he works. तो ये unless वाले sentences में मैंने not का use नहीं किया है, तो इसलिए ये correct है. तो friends, हमेशा के लिए ये बात याद रखेंगे, until और unless वाले sentences में not का use नहीं होता है. Friends, when और if वाले sentences में then का use नहीं होता है. यानी अक्सर आप ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं जहां पर शुरुआत जब या अगर से होती है और दूसरा सेंटेंस शुरुआत होने से पहले आता है तो या तब. जैसे जब वह आया तो दावत शुरू हो चुकी थी. फ्रेंड्स, यहां पर जब के लिए हम वे लिखेंगे व्हेन ही केम, लेकिन तब के लिए देन का यूज नहीं किया जा सकता है. आपको देन की जगह पर सिर्फ कॉमा देना होगा. उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंस के शुरुआत इफ से है तो आप उस सेंटेंस में देन का यूज नहीं कर सकते. जैसे अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे. तो कई बार स्टूडेंट्स इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास, यानी तो के लिए वो देन लिखते हैं, जबकि आपको ये बात अच्छा से पता होना चाहिए कि when और if वाले sentences में then का कोई भी जगह नहीं होता है, यानी तो या तब के लिए कॉमा का यूज किया जाता है. Regard, describe, represent, mention, define, treat ये सभी ऐसे words हैं कि इनके बाद as का यूज होता है. जैसे you should have regarded him as your boss. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर regarded के साथ as का यूज हुआ है, और सिर्फ regarded ही नहीं बल्कि इन सभी वर्ड्स के साथ as का यूज किया जाता है. लेकिन फ्रेंड्स, name, call, think, consider इन सभी वर्ड्स के बाद as का यूज नहीं किया जाता है. आमतौर पर ऐसा पाया जाता है कि स्टूडेंट्स इन सभी वर्ड्स के बाद as का यूज करते हैं. जैसे he is called as a foolish. यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ एज का यूज हुआ है, जो कि गलत है. आप इसको रिमूव कर देंगे और ये अब करेक्ट हो चुका है. ही इज कॉल्ड फुलिश. तो फ्रेंड्स, नेम,
कॉल थिंक और कंसीडर के बाद एज का यूज नहीं करना है. बिकॉज सिंस और एज इन तीनों से वजह का पता चलता है यानी रीजन का पता चलता है. लेकिन इन तीनों में एक खास बात है जो आपको जानना होगा. ये बात क्लियर है कि अगर आपको रीजन बताना हो तो आप इन तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सिंस या एज का यूज कर रहे हैं तो इसका यूज शुरुआत में ही किया जाता है यानी स्टार्टिंग में किया जाता है. वहीं दूसरी तरफ बिकॉज का यूज आप स्टार्टिंग या बीच में भी कर सकते हैं. यानी बिकॉज का यूज शुरुआत में भी किया जा सकता है और बाद में भी किया जा सकता है. लेकिन सिंस और एज का यूज शुरुआत में ही किया जाता है. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये सभी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आप दिल खोलकर इस वीडियो को शेयर करेंगे. वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं. फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ. तब तक के लिए बाय.